हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर में, तो इसमें दो ईपीएफ से जुड़े हुए भी अनाउंसमेंट हुए हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर बेनिफिट देने की कोशिश की गई है सैलराइड पर्सन को। दोनों अनाउंसमेंट क्या है वो हम इस वीडियो में उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट जुड़ा हुआ है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आने वाले 3 महीनों तक का गवर्नमेंट अपने पास से जमा करेगा आपके खाते में। मतलब जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पहले इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर जमा करते थे, अब टोटल कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉयर का और इम्प्लॉई का दोनों भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट खुद जमा करेगा आपके खाते में 3 महीने तक। तो इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 12% और इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% मिलाकर टोटल 24% सैलरी का, जो प्रेजेंट सैलरी होगा उसका 24% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट आपके ईपीएफ खाते में जमा करेगा आने वाले 3 महीनों तक के लिए। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। दोस्तों, बेनिफिट तो हमें यहाँ पर मिला है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कंडीशन क्या है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिस स्टेबलाइजमेंट में आप काम करते हैं, वहाँ पर टोटल इम्प्लॉई की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। उसके अलावा 90% इम्प्लॉई का सैलरी 15,000 से कम होना चाहिए। तो ऐसी ही कंपनी में जो इम्प्लॉई काम करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगा पीएफ अकाउंट में अगले 3 महीनों तक के लिए। तो दो कंडीशन है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पीएफ विड्रॉल से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अब हम एडवांस में पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें रीज़न देना पड़ता था। बिना वैलिड रीज़न के हम एडवांस पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो कंडीशन दिए गए, कंडीशन नहीं कहा जा सकता, दो लिमिट दिए गए हैं। आप मैक्सिमम 75% तक का पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देना है, मैं पीएफ की बात कर रहा हूँ, पेंशन की नहीं। पीएफ अकाउंट में आपके जितना भी पैसा होगा उसका 75% या तो 3 महीने का सैलरी, दोनों में से भी जो कम होगा उतना पीएफ आप विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में अब तक 80,000 रुपये जमा है और आपका जो मंथली सैलरी है वो है 25,000 रुपये। तो 3 महीने का सैलरी होता है 75,000 और आपके खाते में 80,000 रुपया है, तो उसका 75% होता है 60,000 रुपया। तो 60,000 और 75,000 में से क्या कम है? 60,000। तो मैक्सिमम आप 60,000 तक का एडवांस निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं ताकि रिलीफ दिया जा सके, पैसा पहुंचाया जा सके सैलराइड पर्सन के पास, जिनके पास ईपीएफ अकाउंट है उनके बैंकों में पैसा पहुंचाया जा सके, ताकि लिक्विडिटी या ज़रूरत की सामान खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ भी रहें। धन्यवाद।